तो भाई सालार का ट्रेलर हमने देख लिया है और केजीएफ फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट तो हुए हैं ट्रेलर को लेकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सालार और केजीएफ का कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। फैंस चाहते थे कि मेकर सालार के ट्रेलर में हमें कोई हिंट दे दे केजीएफ का, ताकि केजीएफ यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए। यहाँ तक कि ऐसे फैंस जिन्होंने उग्राम मूवी देखी है वो कह रहे हैं कि सालार उग्राम का रीमेक है थोड़े अपडेट वर्जन के साथ। और भाई ये सारी चीजें मिलाकर बात यही है कि फैंस सालार के ट्रेलर को लेकर थोड़े से खुश नहीं है। जबकि अगर हम सिर्फ ट्रेलर की बात करें तो भाई ट्रेलर बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब हमें एक हॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है। ट्रेलर में हमें खून खराबा दिख रहा है, तगड़ा एक्शन दिख रहा है, खतरनाक बीजीएम दिख रहा है और जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलेगी। इन सब चीजों पे किसी का ध्यान ही नहीं है, सब रीमेक और केजीएफ के कनेक्शन को लेकर बैठे हुए हैं। तो भाई रीमेक का तो खेल ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि सालार उग्राम की एक अपडेटेड वर्जन वाली रीमेक है, यानी कि सालार सीन टू सीन कॉपी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है लेकिन सब कुछ सेम नहीं होगा। उसके अलावा हमें ये पता है कि उग्राम मूवी एक सिंगल मूवी थी, जबकि सालार दो पार्ट में आने वाली है, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि भाई सालार में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी नहीं किया गया, यहाँ पे चीजें अलग जरूर होगी। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात आती है केजीएफ कनेक्शन की। तो वैसे तो सब लोग ये कह रहे हैं कि सालार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा हमें ट्रेलर से, लेकिन भाई अगर मैं ये कहूँ कि कनेक्शन है, मैं कहता हूँ कि मेकर्स हमें बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सालार और केजीएफ के बीच में कनेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों हमने सालार के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और सालार और केजीएफ से जुड़ी हुई हमें कुछ डिटेल्स पता चल गई हैं, जिनके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के रॉकी के कलाशनिकोव वाले सीन से। उस सीन में या फिर हम कहें कि पूरी केजीएफ चैप्टर 2 मूवी में हमें अदीरा का एक मेन गुंडा दिख रहा है, जिसने नाक में वैसा ही ऑर्नामेंट पहना हुआ है जैसा कि सालार के ट्रेलर में हमें ज्यादातर लोग दिख रहे हैं। यहाँ तक कि इस गुंडे को मारा भी रॉकी ने खुद ने था, मतलब भाई केजीएफ चैप्टर 2 में इस गुंडे का खेल कुछ बड़ा था। और अगर हम सालार के ट्रेलर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सालार में जिन्होंने भी ये ऑर्नामेंट पहना है वो सारे लोग सालार के यूनिवर्स के हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि सालार में तो सबने गले में भी कुछ गोल सा पहना हुआ है और साथ में एक लॉकेट भी पहना है। तो दोस्तों केजीएफ में जो हमें ये गुंडा दिख रहा है, इसके गले में वो लॉकेट तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा वो गोल वाली चीज नहीं दिख रही, शायद वो इस कपड़े से छुपी हुई है। तो उसके लिए हमें केजीएफ चैप्टर 1 पे जाना पड़ेगा, जब सूर्यवर्धन मरते वक्त अधीरा को बुलाता है। उस वक्त भी अधीरा के गुंडों में से किसी एक ने वो सारे ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं जो कि हमें सालार के ट्रेलर में लोग दिख रहे हैं पहने हुए। तो दोस्तों अधीरा का कनेक्शन हमें दिख सकता है सालार के साथ, यानी कि हमें ये नहीं पता कि अधीरा इतने दिनों से कहां था जब गरुड़ा ने उस पे हमला करवाया था। साथ में सूर्यवर्धन का पास भी हमें नहीं पता कि सूर्यवर्धन और उसका भाई अधीरा ये दोनों केजीएफ तक कैसे पहुंचे और उससे पहले ये लोग क्या करते थे। सालार में जिन डकैतों की बात हो रही है, इनका कनेक्शन हमें केजीएफ से जरूर दिखेगा भाई। सेकंड पॉइंट आता है खानसार सिटी का, जिसे हमें सालार के ट्रेलर में बहुत अच्छे से दिखाया है। तो ये खानसार सिटी ईरान में है और ईरान और केजीएफ ये दोनों बहुत दूर दूर है। लेकिन भाई अगर आप मैप पे चेक करोगे तो ईरान और दुबई पास पास है और हम जानते हैं कि दुबई का कनेक्शन है इनायत खलील से। तो क्या हमें दुबई के इनायत खलील का कोई कनेक्शन दिख सकता है सालार से? साथ में भाई मैं सच बताऊं तो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन हमने केजीएफ के किसी न किसी चैप्टर में जरूर खानसार का नाम सुना है। अगर आप जानते हो कहां तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई। तो दोस्तों ये डिटेल भी सालार और केजीएफ को जोड़ते हुए दिख रही है। और अगर आप इससे भी ना मानो तो भाई हमें केजीएफ चैप्टर 2 में बताया गया था कि कलाशनिकोव वाले सीन के बाद रॉकी ने बहुत सारे इंटरनेशनल क्राइम किए हैं, तो क्या पता रॉकी ने उस गुंडे को देखा हो और वो उसके पीछे के सालार के कनेक्शन को ढूंढने गया हो और तब जाकर रॉकी देवा और वरदा राजा मनार से मिला हो, ये चीज पॉसिबल है भाई। अगली डिटेल आती है कि हमें केजीएफ चैप्टर 1 में जब अधीरा को दिखाया गया था तब उसकी शक्ल ना दिखाकर उसकी अंगूठी को दिखाया गया था, वो अंगूठी थी शेर वाली। और अगर आप ध्यान दोगे सालार के ट्रेलर में तो गरुड़ा राम जो कि विलन बन रहे हैं सालार मूवी में, एक सीन में गरुड़ा वरदराजा मनार के नाक में से वही ऑर्नामेंट निकाल रहे हैं और उस वक्त उनकी उंगली में एक शेर वाली अंगूठी ही है, जो हमें साफ तो नहीं दिख रही लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये शेर वाली अंगूठी ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सालार वाले गरुड़ा राम अधीरा के बेटे हों? कहने का मतलब ये है कि सालार यूनिवर्स की किसी लड़की के साथ अधीरा ने शादी करी हो और उन दोनों का बेटा हो ये वाला गरुड़ा जो कि हमें सालार में विलन होते हुए दिख रहे हैं। मतलब भाई हमें अभी तक ये नहीं पता कि अधीरा इतने सालों तक कहां रहा और उसने क्या क्या किया। अधीरा की फैमिली के बारे में भी हमें नहीं बताया गया। भाई ये रिंग वाली भी पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सालार के ट्रेलर में हमें तीन बड़ी वाली मूर्तियां दिख रही हैं, उनमें से एक तो वो है जिन्होंने नाक में वही ऑर्नामेंट पहना हुआ है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे राजा मनार और उनके सारे लोगों को। और दूसरी मूर्ति एक तलवार लेकर खड़ा हुआ है और भाई इस तलवार की शेप बिल्कुल अधीरा की तलवार जैसी है। साथ में अधीरा की तलवार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई थी। भाई मैं कह रहा हूँ कि सालार और अधीरा का कनेक्शन हमें जरूर दिख सकता है। और अधीरा ने रॉकी की वाइफ को मारा था यार, तो पक्का रॉकी भी अधीरा को मारने के बाद उसकी फैमिली के पीछे लगा ही होगा। साथ में सालार के ट्रेलर में जो हमें मनार साम्राज्य दिख रहा है, वहाँ पे भी माइनिंग का जरूर कोई ना कोई हिसाब है ही, और ये माइनिंग हो सकती है भाई सोने की। तो भाई ये सोने का कनेक्शन हमें रॉकी से मिलता हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि रॉकी को सिर्फ अमीर नहीं बनना था बल्कि दुनिया का सबसे अमीर बनना था। तो भाई अगर हमें सालार के पार्ट 1 में कोई कनेक्शन
ना भी दिखे तो भी सलार के नेक्स्ट पार्ट में हमें जरूर रॉकी का कोई कनेक्शन दिखेगा। प्रशांत नील कोई नॉर्मल मूवी तो बिल्कुल नहीं बना सकते और वो अच्छे से जान गए हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, इसलिए सलार का और केजीएफ का कनेक्शन हमें जरूर दिखेगा। तो दोस्तों ये थी वो डिटेल जिससे सलार और केजीएफ जुड़ती हुई दिख रही है। अगर आपको भी कोई डिटेल पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को केजीएफ के हर फैंस तक पहुंचा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।